हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खम्मा गनीसा। आज के वीडियो में मैं आपसे अपनी अष्टमी की पूजा शेयर कर रही हूँ। और ये जो पूजा होती है, मेरी जो ससुराल की फैमिली है वो धार पवार फैमिली है। पवारों में भी अलग अलग पवार होते हैं, तो मेरे ससुराल की जो फैमिली धार पवार फैमिली से बिलोंग करती हैं। धार पवार में मराठा धार पवार होते हैं और एक पवार परमार फैमिलीज होती हैं जो राजा भोजपाल की फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो मेरी ससुराल की फैमिली राजपूत पवार फैमिली है। तो हमारे यहाँ कैसे अष्टमी की पूजा होती है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से दीवार पर माता जी को बनाया जाता है। और घर के जो भी बड़े बेटे होते हैं या बड़े पर्सन होता है वो इस पूजा को करते हैं। ये वाली पूजा मेरी ससुराल में मेरी बड़ी सास के यहाँ होती हैं, और मेरी सासू माँ और हम देवरानी जेठानी और मेरी बड़ी सास की बहू हैं, ये सब मिलके पूजा करती हैं। मेरे बस बड़े ससुर जी अब शांत हो चुके हैं, तो उनके बड़े वाले बेटे से मेरी सासू माँ ये पूजा करवाती हैं। पहले वो बैठती हैं, फिर वो लोग बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, दीवार पर इस तरीके से माता बनाई जाती हैं और सफ़ेद मिट्टी से दीवार को पोता जाता है और फिर सिंदूर से माता जी बनाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर माता जी को बनाया गया है इस तरीके से। और साथ में खड़ग तलवार रखते हैं माता जी का, और उसकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले जो पटा रखा जाता है, और पटे पे लाल सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है। लाल कपड़े पे नौ ग्रह बनाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ अष्टमी पूछती हैं तो आठ ग्रह ही बनाएं, और अगर आपके यहाँ नवमी पूछती हैं तो आप नौ ग्रह बना सकते हैं। और लाल सफ़ेद कपड़े पे, तो लाल तरफ माता जी के नौ ग्रह बनते हैं, और सफ़ेद कपड़े पे भैरव जी और जुझार जी को की पूजा जाता है। हमारे यहाँ आठ अष्टमी पूजती हैं तो आठ ही ढेरे बनाए जाते हैं। तो जो लाल कपड़े पे कालका माता की तस्वीर रखी हुई है, और वाइट कपड़े पे जो सफ़ेद कपड़ा दिख रहा है उसमें भैरव जी और जुझार जी की फ़ोटो रखी जाती है। तो जो लाल कपड़ा होता है उसमें गेहूं की ढेर बनाया जाता है, और उसमें इलायची, सुपारी, खारक, लौंग और पैसे, मतलब सिक्के रखे जाते हैं, और उसकी आठ ढेरियाँ बनाई गई हैं। और ऐसे ही वाइट कपड़े पे भी चावल रखे गए हैं, और चावल के ढेर के ऊपर सुपारी, खारक, लौंग, इलायची और सिक्के रखे जाते हैं। इस तरीके से आपने देखा, और जो बीच में जो सिक्के जैसा दिख रहा है ना आपको, वो छींक बिजासन होती हैं, जो माता शादी के टाइम पे बिजासन माता छींक बिजासन दुल्हन को पहनाई जाती हैं, वो फिर इकट्ठी करके एक माला में पुरोई गई हैं इस तरीके से, और पटे के सबसे सामने रखी गई हैं। तो फिर जो माता जी को सूखा सूखा माता जी को जो चढ़ता है वो चढ़ता है सिंदूर, सिंदूर चढ़ता है, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम, ये चढ़ाया जाता है, और सुहाग का सामान चढ़ता है माता जी को, और भैरव जी को अबीर गुलाल चढ़ता है। और इसी तरह से छींक बिजासन को भी पूजा की जाती है, जो आगे की तरफ एक धागे में पोई हुई रखी हुई हैं और चावल चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही अबीर जो भैरव जी और जुझार जी हैं ना, उनको सिर्फ अबीर गुलाल और फूल और पचरंगी धागा चढ़ाया जाता है, जिसको लच्छा भी बोला जाता है। और माता जी को सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, फूल और पचरंगी धागा चढ़ाया जाता है, और भैरव जी की सिर्फ अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। और आइट साइड में जो पत्ते दिख रहे हैं वो जामुन के पत्ते रखे जाते हैं इस तरीके से, और माला चढ़ाई जाती है। और ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से छींक बिजासन की भी पूजा की जा रही है। और आइट साइड में घी का दीपक जलाते हैं, घी का दीपक जलता है माता जी को, और की तरफ जो दीपक जल रहा है वो घी का दीपक होता है, और जो जुझार जी और भैरव जी की तरफ जो दीपक जल रहा है वो तेल का दीपक जलाया जाता है। कलश हमारे यहाँ नवमी नवरात्रि जब स्टार्ट होती हैं तभी कलश रख दिया जाता है, तो अष्टमी के दिन अलग से कलश नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पहले से नहीं रखते हैं तो आप उस दिन भी कलश की स्थापना कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापित कर दिया जाता है मंदिर में।
ये देख सकते हैं अबीर गुलाल जी, सिर्फ भैरव जी और जुझार जी को चढ़ाया जाता है। और मेरी ससुराल की जो फैमिली है उनको कालका माता को नॉनवेज और तारू भी चढ़ती है, और भैरव जी को ये चीज़ नहीं चढ़ती है। तो जबकि किसी किसी क्या ऐसा होता है राजपूत फैमिलीज में, भैरव जी को ये चढ़ता है। जुझार जी कौन है, ये मेरी सास ने मुझे बताया था कि जुझार जी पूर्वज देवता हैं जिनकी शादी के हो रही थी, और शादी होते ही उनको होते टाइम ही उनको युद्ध में जाने का निमंत्रण आ गया था, तो वो आदेश मिल आया था, तो वो युद्ध के लिए चल दिए गए थे अपनी शादी को जल्दबाजी में खड़क से पूरा करके। और उसके बाद उनको वहाँ पे वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हो गई थी। तो राजपूतों में जुझार जी को अपने पूर्वज देवता के रूप में पूजा जाता है, और देवता की तरह ही उनका सम्मान दिया जाता है। राजस्थान लोकगीतों में इनके बारे में बहुत कुछ गीत हैं जो सुनने को मिलते हैं, और बहुत वीर रस में इनके कई उदाहरण हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूजा संपन्न होती है, और आप जो दिया है उसको भी पूजते हैं, कलश को भी की भी पूजा की जाती है। और हमारे यहाँ मुझे नहीं पता, शायद वैसे तो राजपूतों में दशहरा के दिन ही शस्त्र पूजा की जाती है, मेरे मायके में दशहरे के दिन ही शस्त्र पूजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ मेरी ससुराल में अष्टमी के दिन ही खड़क की पूजा की जाती है तलवार की। और ये देख सकते हैं ये मेरे जेठ जी सा उनकी खड़क की पूजा कर रहे हैं अभी, इस तरीके से साइड में माता के खड़क रख देते हैं, और उस पर नींबू लगा दिया गया है, और बहुत सुंदर तरीके से माता जी को बनाया जाता है और पूजा की जाती है। अगर आपके घर में कोई ओट पड़ जा होती है या कोई सूतक हो जाता है, ओट नहीं सॉरी कोई सूतक होता है, तो इन माता जी को फिर से मिटा के दोबारा बनाया जाता है, और अगर नहीं होता है तो ये ऐसे ही पुछती रहती हैं, तो काफ़ी, और इसी के ऊपर फिर से मार दिया जाता है। और पूजा में 5 नारियल रखे जाते हैं, और फिर इनको बाद में बदार दिया जाता है किसी के थ्रू। ये पूजा हम लोग मिलके करते हैं, और अगर कोई बाहर से आपकी फैमिली का पूजा करने के लिए आता है तो वो अपना नारियल अलग से लेकर आता है। बच्चों को एक फूल में ही सब सामान मिला के बच्चों के हाथ से यहाँ पे रख दिया जाता है इस तरीके से, ताकि क्योंकि बच्चा प्रॉपर सब तय कर नहीं कर सकता, तो एक फूल में सिंदूर चावल हल्दी मेहंदी ये सब लगा के और उनके हाथ से पटे पे ऐसे रखवा दिया जाता है। ऐसे बच्चों के हाथ से भी पूजा कर दी जाती है। और अगर आप लोग इस पूजा के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं अपनी और भी आपको बताऊंगी इसके बारे में। उसके बाद मेरे सास ससुर इस पूजा के लिए बैठे, और सेम वही प्रोसीजर हुआ, इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट दी थी। धूप दी जाती है इस तरह, जोड़े से धूप देते हैं और पीछे से कोई थपथपा देता है, ये होता है कि आपको आशीर्वाद मिल गया है। यहाँ पे मेरा ये मेरा बेटा कियांश था जो अपनी जीजा के साथ मस्ती कर रहा था। फिर मेरे ये भी एक मेरे ससुर के कज़न ब्रदर हैं जो इस बार पूजा में हमारे बैठे आए थे हमारे साथ, कि वो प्रॉपर पूजा कैसे होती है वो देखना चाहते थे, क्योंकि इनको प्रॉपर तरीका नहीं पता था। ये नेवी में थे तो इन्होंने मेरे सास ससुर से पूछा, तो उन्होंने कहा इस बार आप हमारे साथ पूजा में शामिल होकर देखिए प्रॉपर तरीके से पूजा। और ये हम दोनों फिर पूजा में बैठे, कियांश को भी साथ में बैठाया। और पत्नियां तो सिर्फ हाथ लगा लेती हैं और बाकी सब पूजा बताते रहते हैं कि वो हस्बैंड के थ्रू ही होती हैं, और जोड़े से बैठ के ये पूजा की जाती है, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। अगर आप थाली में भी आप देखना, मैं प्रॉपर जूम करना भूल गई थाली में, कि थाली किस तरीके से सजाई जाती है, पर थाली में भी सब रखा जाता है, हल्दी कुमकुम चावल मेहंदी, और एक साइड अबीर गुलाल लच्छा फूल दी और घी दिया, ये सब लगा के थाली थाली तैयार की जाती है। अगर आपके यहाँ नवमी पुष्टि है तो सेम आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं, उसमें 9 ग्रह बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ अष्टमी पुष्टि है तो हम 8 ग्रह ही बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरा बच्चा, उसके पापा के साथ धूप दे रहा था, तो इस तरीके से धूप दे रहा था, और आके पूजा करते हैं। उसके बाद हवन होता है, और हवन में को इस तरह घी डाला जाता है हवन में, और फिर सब मिलकर
हवन करते हैं और सब जोड़े से इस तरीके से बैठ जाते हैं और साथ में आहुति देते हैं। कैसे आहुति देती हूँ बताती हूँ आपको। हवन के बाद फिर आरती होती है और फिर भोग लगते हैं और फिर सब स्टार्ट हो जाता है। आरती भगवान तो साथ बैठते हैं सब, तब बच्चे भी एक दूसरे को हाथ लगा लेते हैं, ज्यादा लोग जाते हैं और पूजा का छोटा बड़ा हाथ लगा लेते हैं और ऐसे नहीं करना है। हवन हवन करवाने के बाद या पूजा होने के बाद माता जी को पैसे भी चढ़ाए जाते हैं, तो वो कन्याओं में बांटे जाते हैं और इस तरीके से पूजा की जाती है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं के बाद हवन को इस तरीके से कोई एक भी जन ठंडा करता है ऐसे जल चढ़ा के, और जिस जगह पे आप बैठते हैं उस जगह को भी आसन से छिड़क के और पानी को आंखों से लगाया जाता है। इस तरीके से 11 बार हवन में आहुति देते हैं और उसके बाद माताजी की आरती होती है। आरती के बाद भोग लगाया जाता है माताजी को। जो भी आपके परिवार में भोग देते हों वो सब मिलके, परिवार के सभी लोग जिस तरीके से हवन कर रहे थे ऐसे सब जेंट्स मिलकर भोग लगाते हैं माताजी को, जो भी भोग चढ़ता है। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं पूजा के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी पता चले तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अपने मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।